जिले में उमरीबेनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आदमपुर बाजार में एक दुकान अवैध तरीके से रिफिलिंग करते समय एक के बाद एक 12 सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। अचानक तेज धमाके की आवाज से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर डीएम और एसडीएम नायब पहुंचे और पुलिस ने इस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। सिलेंडर के फटने से लगी। किसके दुकान में लगी? बाबू। ये गैस सिलेंडर यहाँ पे अवैध रूप से बेचा जा रहा था क्या? अवैध रूप से बेच रहे थे या लाइसेंस है इसके बारे में नहीं पता। बगल में हम कब से बेच रहे हैं? कम से कम 10 साल। उनके बगल में हम अपने किराए की दुकान ले रखे हैं जिसमें अभी भी मौके पर आग लगी हुई है। साखी सागौन का और लगन का बेड बना हुआ रखता है, वो बन रहा है। खबर अलीगढ़ के